नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे इस वीडियो में सिफो प्रो सीवी 50mg सिरप के बारे में। जानेंगे क्या है, कहां चलती है, किस तरह से काम करती है, कितना बड़ा बच्चा यूज करता है, डोज क्या होती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सिफो प्रो सीवी 50mg सिरप एक ब्रांड है सिप्ला कंपनी का, जिसको छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कोई बच्चा अगर एक साल से बड़ा है तो इसका यूज करने की डॉक्टर देते हैं, सेल्फ यूज करने की नहीं आती है। बात करते हैं भाई क्यों देते हैं। तो दोस्तों, ये एक पीने की सिरप आती है, एंटीबायोटिक्स आती है। बच्चे को अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया के कारण प्रॉब्लम है तो वहां फिर इसको यूज करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते हैं। जैसे कि खांसी जुकाम बनना, बच्चे के कफ है छाती में, बच्चे के नाक में कफ है, खांसी आ रही बच्चे को, या श्वास नली में कफ जमा है, तो वहां फिर दिया जाता है। ठीक है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है बच्चे के, यानी नमोनिया बनना, फेफड़ों का इन्फेक्शन कहते हैं, तो नमोनिया प्रॉब्लम दे सकते हैं। बच्चे के टाइफाइड बुखार है तो टाइफाइड बुखार में भी दे सकती है, दिया जाता है। ठीक है, अगर नाक में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, टोन्सिल प्रॉब्लम है, आंख से पानी आ रहा है, कान में इन्फेक्शन है, तो वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन में भी डॉक्टर देते हैं। अगर स्किन इन्फेक्शन है, पेशाब करने में बच्चे की दिक्कत होती है, पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहां भी दी जाती है। और भी कई सारी प्रॉब्लम में काम आती है। बात करते हैं भाई काम किस तरह से करती है। तो दोस्तों, इसके अंदर दो एंटीबायोटिक्स आती है, पहला है सेफोडोक्सिम, दूसरा है पोटेशियम कैल्विनेट। दोस्तों, सेफोडोक्सिम जो है ये एक एंटीबायोटिक है, ये कुछ प्रोटीन्स को बंद कर और जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, सेल्स वॉल होते हैं, जो सुरक्षा कवच होता है बैक्टीरिया का, उसको खत्म करके काम करती है। पोटेशियम कैल्विनेट इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बेटा लैक्टामोज होता है, यानी लैक्टामोज एक एंजाइम्स होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि सेफोडोक्सिम वीक पड़ता है, तो उस एंजाइम्स को नहीं बनने के लिए पोटेशियम कैल्विनेट काम आता है, यानी सेफोडोक्सिम को सपोर्ट करता है, तो इस तरह से काम करती है। डोज की बात करूं तो कोई बच्चा एक साल से बड़ा है, 5-5 ml दो बार ले सकता है, 3 से लेकर 5 दिन तक दी जाती है। कुछ केसेज में थोड़े दिन ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये 3 से लेकर 5 दिन तक दी जाती है, उसके बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो 2.5 ml भी हो सकती है बॉडी वेट कम होने पर, सब कुछ डिपेंड करता है बॉडी वेट के ऊपर, उसके हिसाब से ही डॉक्टर देते हैं। डोज हमेशा डॉक्टर ही बताते हैं और डॉक्टर के हिसाब से ही बच्चे को डोज देनी भी चाहिए। ज्यादा साइड इफेक्ट के बारे में, वैसे तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हो भी जाते हैं, जैसे कि वोमिटिंग होना, दस्त लगना, पेट में दर्द होना, स्किन एलर्जी वगैरह देखने को मिलना, सरदर्द होना, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होती है। दोस्तों, इसकी सावधानी यही है, अगर डॉक्टर ने दिया है तभी इसका यूज करना है, वरना नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे के चेहरे पे सूजन आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई चकते से स्किन के चकते से बनते हैं, कोई खाज खुजली होती है, तो समझ आना है ये सूट नहीं कर रही और आगे नहीं देना है, डॉक्टर को जरूर बताना है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।